मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नगरीय निकायों के महापौर अध्यक्ष और पार्षदों का मानदेय 20% बढ़ाने का फैसला किया है। इस घोषणा से जनप्रतिनिधियों को आर्थिक रूप से राहत मिलने की उम्मीद है। भोपाल स्थित मुख्यमंत्री आवास में आयोजित देवी अहिल्याबाई होलकर नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हमारी बहनों के सम्मान में जो भी निर्वाचित जन प्रतिनिधि है उनके मानदेय में 20% की वृद्धि की जाती है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि महापौर का मानदेय अब 22,000 रूपए से बढ़ाकर 26,400 रूपए प्रति माह हो जाएगा। वहीं उपाध्यक्ष का मानदेय 18,000 रूपए से बढ़कर 21,600 रूपए प्रति माह किया जाएगा। पार्षदों को अब नगर निगम में 12,000 रूपए की बजाय 14,400 रूपए प्रति माह का मानदेय मिलेगा। नगर पालिका के अध्यक्ष का मानदेय 6,000 रूपए से बढ़ाकर 7,200 रूपए, उपाध्यक्ष का 4,800 रूपए से बढ़ाकर 5,760 रूपए और पार्षद का 3,600 रूपए से बढ़ाकर 4,320 रूपए प्रति माह किया गया है। नगर परिषद के अध्यक्ष और पार्षदों का मानदेय भी क्रमशः 5,760 रूपए और 3,360 रूपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री यादव ने इस घोषणा के साथ यह भी कहा, यह केवल पैसे का सवाल नहीं है बल्कि हम चाहते हैं कि नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि सरकार में अपनी भूमिका को और मजबूती से निभाएं। मानदेय में वृद्धि इस बात की पुष्टि है कि हम उनकी भागीदारी को और अधिक सुनिश्चित कर रहे हैं। इस घोषणा से न केवल जनप्रतिनिधियों को वित्तीय लाभ मिलेगा बल्कि यह भी दर्शाता है कि राज्य सरकार उनके योगदान को महत्व दे रही है। मुख्यमंत्री ने इस कदम को महिलाओं और जनप्रतिनिधियों की सशक्तिकरण की दिशा में एक और प्रयास बताया है।